Good morning, students. Today we are going to start poem from unit 7, Puppy and I. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. तो जो poet है वो कहते हैं कि मुझे एक आदमी मिला जब मैं घूमने के लिए निकला, walking मतलब घूमने के लिए निकला. We got talking, man and I. हम दोनों ने आपस में बातचीत की. टॉकिंग मतलब बातचीत करना. वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय. जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, और उसने कहा, मैन ने कहा, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. मैं विलेज जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ ब्रेड लेने के लिए. ब्रेड यहाँ पर ब्रेड रोटी के लिए यूज़ हुआ है वर्ड. Will you come with me? No, not I. क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो मैंने बोला no. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. अब जब मैं जा रहा था walking पर घूमने के लिए, सैर करने निकला, तो मुझे रास्ते में घोड़ा मिल गया. We got talking, horse and I. तो हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे. दोनों कौन है? Horse and I. Where are you going to, horse, today? तो मैंने उससे पूछा, आज तुम कहाँ जा रहे हो? किसने पूछा? पोएट ने पूछा. किससे? घोड़े से. घोड़े से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय. तो मैंने हॉर्स से पूछा. हॉर्स ने बताया, डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे. विल यू कम विद मी? नो, नॉट आई. तो हॉर्स ने बोला, डाउन टू द विलेज, मैं गांव में जा रहा हूँ, टू गेट सम हे. हे मतलब सूखा चारा. मैं चारा लेने के लिए विलेज जा रहा हूँ. Will you come with me? No, not I. तो वो घोड़े ने बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो मैंने बोला no, मैं नहीं जाऊँगा. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. अब मैं जब जा रहा था walking पर, तो मुझे वहाँ पर रास्ते में डॉगी का जो बेबी होता है उसे पपी बोलते हैं, मुझे पपी मिल गया. हम दोनों ने आपस में बातचीत की. We got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? आज इतना अच्छा दिन है और तुम कहाँ जा रहे हो? ये बात आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय. मैंने ये बात पपी से पूछी कि तुम कहाँ जा रहे हो इतने अच्छे दिन में. अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. वो कहता कि मैं हिल्स पर, पहाड़ियों पर जा रहा हूँ. टू रोल एंड प्ले मीन्स, रोल मतलब लुढ़कना, गलाटी लगानी, और प्ले मतलब खेलना. तो मैं वहाँ इसलिए पहाड़ियों पर जा रहा हूँ खेलने के लिए. आई विल कम विद यू पपी, सेड आई. तो मैंने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए चलूँगा. ये जो आए हैं ये पोएट के लिए यूज़ हुआ है, और ये एक लिटिल बेबी है यहाँ दिखा रखा है पिक्चर में. तो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या आए हैं, न्यू वर्ड्स क्या हैं? विलेज, विलेज मीन्स गांव. हिल्स, पहाड़ियाँ. ब्रेड, रोटी. हे, सूखा चारा. रोल, गलाटी लगाना, लुढ़कना, रोलिंग करना, जंपिंग करते हैं ना, उसके लिए यूज़ हुआ है. प्ले मतलब खेलना.